हेलो गाइस, माय नेम इज साहिब सिंह सिडाना एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रैवलिंग इंडियन। आज मैं फाइनली आप लोगों को एक बहुत स्पेशल जगह पे लेकर के जाने वाला हूँ। महाराष्ट्र में हम लोग कुछ चुनिंदा स्पॉट्स हैं वो कवर करेंगे महाराष्ट्र में, बट उसके बारे में जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब बताऊँगा। आज पहले तो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचते ही मेरी हालत अभी तक ख़राब हो चुकी थी क्योंकि ऊबर वालों ने इतना ज़्यादा कैंसिलेशन किया है आज। तो अगर आप लोग इस प्रॉब्लम से रिलेट कर सकते हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों को भी ऊबर और ओला से ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है या नहीं करनी पड़ रही है, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। तो जो भीड़ है उससे एक और चीज़ याद आ रही है मुझे यहाँ दिल्ली की भीड़ देख के कि एयरपोर्ट पे भी ऐसी ही भीड़ होने वाली है। तो उसको मैंने पार करने के लिए एक मीट एंड ग्रीट सर्विस है दिल्ली एयरपोर्ट की, या बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे भी होती है, दिल्ली एयरपोर्ट पे नहीं है। तो वो मैं इस बार ही ट्राई करने वाला हूँ और जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि कैसा है। गाइज, मैं फाइनली पहुंच चुका हूं टर्मिनल 2 एंड आई जस्ट मेट सनी एंड ही इज गोइंग टू बी असिस्टिंग, आई एम गोना बी असिस्टिंग यू टिल योर बोर्डिंग गेट्स। ओके, सो ही इज गोइंग टू असिस्ट मी और ये मीट एंड ग्रीट सर्विसेज का पार्ट है दैट दे असाइन समबडी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग यू थ्रू द सिक्योरिटी चेक इन एंड एवरीथिंग, एंड ही इज सच अ लवली पर्सन। मेरे आने से पहले ही मेरा मुझे कॉल कर लिया था इन लोगों ने और मुझे बता दिया था कि कहाँ पर मिलेंगे, क्या करेंगे, एंड ही ऑल्सो आस्क फॉर माई टिकट और इन्हें ऑलरेडी बोर्डिंग पास मेरा प्रिंट करके रख लिया। सो इज सच एन अमेजिंग पर्सन, थैंक यू। हम लोगों को हार्डली 10 मिनट भी नहीं लगे हैं और हम लोग सिक्योरिटी चेक इन को पार करके भी आ गए हैं। मेरी फ़्लाइट को इस समय 2 घंटे है और मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर सकते हैं। तो एक तो मेरा जो फेवरेट काम है वो आप लोगों को पता ही है, लाउंज जाना, वहाँ जा सकते हैं, बट इन भाई साहब को लाउंज में एंट्री अलाउड नहीं है। जो रीज़न है वो मैं बता नहीं सकता हूँ जो इन्होंने बताए हैं बट ठीक है यार, यहीं थोड़ी देर चिल करते हैं, फिर मैं लाउंज में चला जाऊँगा और मैं भाई को बोलूँगा कि आप फ्री हो जाओ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने मीट एंड ग्रीट सर्विस कैसे बुक की। सो, मेरे पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिसके अंदर आई गेट ईयरली 8 मीट एंड ग्रीट सर्विसेज। तो बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो इस मीट एंड ग्रीट सर्विसेज का पार्ट है, तो वो आप लोगों को जो आप फीस पे करते हो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं। ये नहीं है, और भी बहुत सारी फीचर्स होती हैं जैसे लाउंज एक्सेस है और ये सब है। तो आप लोग मेरे से पूछते रहते हो ना कि क्यों मैं कैसे लाउंज में फ्री चला जाता हूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ट्रिक्स यूज़ करता हूँ। सो, अगर आपके पास HDFC बैंक है तो उसमें भी आपको बहुत सारे HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसमें भी बहुत सारे और फीचर्स मिलते हैं। तो अपने बैंक से पूछिए और जिस जिस कार्ड के अंदर जो जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं आप लोगों को लगते हैं और आप लेना चाहते हैं तो आप वो ले सकते हैं। मस्त, हम लोग फूड कोर्ट में बैठ गए, इन भाई साहब को पीनी थी कॉफ़ी तो बढ़िया, हम लोगों ने कॉफ़ी ले ली है। अभी लाउंज में मेरा थोड़ी देर में जाने का मन है तो मैं आप लोगों को लाउंज भी लेकर के चलूँगा, बट आई वॉन्ट टू आस्क हिम। उससे पहले रुको यार, माइक ऑन कर लेता हूँ मैं वरना फिर आवाज़ सही नहीं आएगी। तो इनसे पूछते हैं कि भाई कितना टाइम हो गया तुमको एयरपोर्ट पे मीट एंड ग्रीट सर्विसेज में हेल्प करते हुए? इट्स बीन मोर देन 4.5 मंथ्स, दैट्स ऑल। 4.5 मंथ्स, तो यहाँ इंटर्नशिप है बेसिकली, काइंड ऑफ इंटर्नशिप दैट एमिटी हैज प्रोवाइडेड अस। ओके, सो राइट नाउ आई एम परस्यूइंग माय बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एमिटी, आई एम नॉट इवन ग्रेजुएटेड येट। सही है, एयरपोर्ट पे काम करना है तो ये एक बढ़िया लेजिट तरीका हो सकता है। बिकॉज वी हैव द गॉट द एक्सेस फॉर ऑल द 3 टर्मिनल्स। ओके, हमेशा लगता था ना कि एयरपोर्ट में हम लोग सेलिब्रिटीज को क्यों इधर से उधर जाते हुए नहीं देखते, सिर्फ एंट्री गेट के ऊपर ही देखते हैं क्योंकि द सर्विस विच आई एम एंजॉइंग टुडे दे ऑल्सो बुक दैट सर्विस, सेम सर्विस। ठीक है, तो यही वो भाई है मतलब इन जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर एयरपोर्ट्स में काम करते हैं, दे हेल्प देम गेट थ्रू द सिक्योरिटी एंड बाकी सारी चीज़ें, राइट, इंक्लूडिंग कस्टम्स, इमिग्रेशन, चेक इन। ठीक है, एंड ऑल द पोर्टर्स आर अंडर अस, सो वी आल्सो प्रोवाइड देम पोर्टर्स इफ दे गोना नीड अस। ओके, तो ये सिर्फ डिपार्चर में या अराइवल में भी है? इंटरनेशनल डिपार्चर, डोमेस्टिक डिपार्चर, इंटरनेशनल अराइवल, डोमेस्टिक अराइवल, ऑल दी सर्विसेज। तो भाई बाहर से आ रहे हो तो भी
जा रहे हो तो भी इंडिया में ट्रांजिट आल्सो फॉर ट्रांजिट भाई साहब डजंट मैटर टर्मिनल चेंज होगा तो भी सही है अपन यूज करने वाले हैं अलग अलग जगहों पे ये सारी चीजें अब हम लोगों ने सनी से काफी बातें बातें कर ली है बट अब मुझे लग रही है भूख तो मैं लाउंज जाना तो नहीं मिस करने वाला हूँ तो पीछे आ गया है मेरे प्लाजा प्रीमियम लाउंज तो यहाँ पर हम लोग जो मेरे बैंक कार्ड हैं उसकी वजह से और उसकी हेल्प से जाने वाले हैं अंदर तो ये लाइन नहीं स्किप कर सकते बाकी सब स्किप कर सकते हैं मुझे ये अच्छा तो नहीं लग रहा बट भाई ने इंसिस्ट किया है और मैं भी चाहता था कि सर्विस को एक्चुअल में पूरा तरीके से एक्सप्लोर कर लूँ तो आपको बताऊँ उसके बाद सो अभी लाउंज में ही वेटिंग लाइन है तो भाई ने बोला कि मेरी जगह पर वो वेट कर लेंगे तो ही इज़ वेटिंग फॉर मी देयर ही इज़ रियली काइंड और मुझे बोला कि तुम थोड़ी देर चिल कर लो बैठ के एंड देन जैसे ही बारी आएगी तो फिर ये मुझे क्यू में बुला लेंगे वापस में मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि मेरी जगह पे वो वेट कर रहे हैं बट आई वांटेड टू एक्सपीरियंस कि क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं एंड इट्स बेटर कि मैं जाकर के उधर ही खड़ा हो जाता हूँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा नहीं नहीं इट्स ओके गाइज मैं फाइनली पहुंच गया हूँ बोर्डिंग गेट पे एंड आई एम अबाउट टू बोर्ड एंड सनी हैज ट्रीटेड मी अमेजिंगली टुडे और मुझे हर वो जो VIP गेट यहाँ पर है उससे लेकर के गया एंड ही हैज़ बीन अमेजिंग सो फार मैन आई विल बी गिविंग यू एन अमेजिंग फीडबैक सो मीट एंड ग्रीट सर्विसेज मैं बता देता हूँ अगर किसी भी एयरपोर्ट पे आप लोगों को अवेलेबल है यू शुड टेक इट इट्स एन अमेजिंग सर्विस तो अभी बोर्डिंग गेट तक ही ये मीट एंड ग्रीट वाले लेकर के जा सकते हैं उसके बाद बियॉन्ड हम लोगों को जाना है सो थैंक यू सो मच मैन आई विल टेक योर लीव तो मैं अभी आप लोगों को बोर्डिंग करवा करके अंदर लेकर के चलता हूँ एंड देन आई विल टेल यू कि हम लोग महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ जाने वाले हैं तो फाइनली मैं बोर्ड कर चुका हूँ मेरी फ्लाइट एंड अब टाइम है आप लोगों को बताने का कि मैं महाराष्ट्र में जा रहा हूँ नागपुर में अभी बट नागपुर डेस्टिनेशन नहीं है हम लोगों को कवर करना है महाराष्ट्र टूरिज्म के लिए विदर्भा एंड विदर्भा में कुछ कुछ स्पॉट्स हैं जो मैंने चूज़ कर रखे हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग्स उनके बारे में होने वाले हैं तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो नाउ इज़ द टाइम सब्सक्राइब टू द चैनल एंड मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी से बताओ कि आप लोगों को मीट एंड ग्रीट सर्विस कैसी लगी जो आज हम लोगों ने एयरपोर्ट पे एंजॉय की है यानी काफ़ी सारी एयरपोर्ट्स में गाइज आई जेन्युइनली फेल्ट लाइक अ सेलिब्रिटी एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ इट सो मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोग ट्राई करोगे या नहीं करोगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बाय बाय गाइज